तकरीबन 150 साल इसकी उम्र बताई है, कि पूरा रात को न जाने क्या हुआ है कि पूरा पेड़ इस तरीके से फटा है कि बीच में से फटा है। के पीपल के पेड़ पर शक्तियां होती है, देवी देवताओं का निवास होता है, विराजमान रहते हैं, ठीक है। अच्छा बुजुर्गों के थान थे यहाँ। तो थान बुजुर्गों हटाए के वटाए थे क्या? नहीं 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 कुछ नहीं, कुछ नहीं। पूजा पूजा भी होती थी, कुछ दिन से भारी भाभी वो करती थी, अब अच्छा खत्म हुई है, तब से बच्चा आके लापरवाही होने लग गई, किस अच्छा वजह से भी हो सकता है। जय श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज की है। तो दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों के श्रद्धालु के दर्शन कराता हूँ, लेकिन आज एक ऐसी चीज दिखाऊंगा आपको कि रात को एक घटना हुई, और घटना क्या हुई कि हम देखते हैं कि हमारे धर्म में हमारे पूर्वज भी कहते आए हैं कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मदेव का निवास होता है, स्वयं ब्रह्मा का इसको रूप माना जाता है, पूजते हैं, यहाँ लक्ष्मी का भी वास माना जाता है, 24 घंटे पूरे इस पर देवी देवताओं का वास माना जाता है, कभी कोई कहता है कि भूत का भी वास होता है, सारे देवी देवता पीपल में ही निवास करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा विशालकाय पेड़ है, गांव वालों से मैंने पूछा तो तकरीबन 150 साल इसकी उम्र बताई है, कि पूरा रात को न जाने क्या हुआ है कि पूरा पेड़ इस तरीके से फटा है कि बीच में से फटा है, पहले हिला है फिर फटा है, इतनी तेज आवाज हुई है, आसपास में मकान है उनके ऊपर टहनियां पहुंची हैं, और एक मकान की तो इतना क्षतिग्रस्त कर दिया कि उस पर दरार आ चुकी है। अब मैं जानूंगा कि यहीं गांव के वासी हैं, इनसे जानूंगा कि क्या हुआ था ऐसा रात को और ऐसा होने के कारण क्या है। तो जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ना लाल है, अच्छा कौन सा स्थान है ये? ये देवस्थान है, यहाँ नहीं जगह कौन सी है, गांव का नाम क्या है? गांव का नाम तरफरा है, आथरा जिले में और लगता है। हाँ आदर तो जिले में क्या लगता हुआ है था ऐसा ही? ये। पहले तो अब बहुत तेज हला ये, अच्छा हाँ हलने के बाद में एक संग ये फट गया है, फिर तो फटने के बाद ऐसा में क्या हुआ कि हिला ये? पता नहीं, ये तो कुछ शक्तियां हो सकती हैं, शक्तियां। ना हवा अच्छा चली ना कुछ, ना हवा पत्ता भी नहीं हिला था, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि रात को आंधी आई हो या तूफान आया नहीं हो, नहीं कुछ नहीं आया। कुछ भी नहीं था? हाँ तो फिर इसका कारण क्या हो सकता है? कारण क्या है कि हर चीज का समय होता है। तो समय आज ही आना था। अब देखो ये तो सब ऊपर वाले की लीला है, क्या वैसे हो। वैसे इन पेड़ों की समय तो 5000 सौ हजारियों साल बताते हैं, लेकिन 100 साल में अभी तो ये बच्चा है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, सो तो घर 150 से 200 साल का पेड़ था ये। तो दोस्तों जैसे दिखा रहा हूँ, चाचा जी हमारे बता रहे हैं और मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पास में इसके एक थान भी है जो बना हुआ है। अब हुआ क्या है ये गांव वाले जानते हैं, और ये पेड़ स्वयं जानता है, और ये प्रकृति जानती है। ऐसा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि पेड़ इस तरीके से फटा है। क्या वजन था क्या था, लेकिन वजन उतना ही होता है जो वो पेड़ का तना सहन कर सके, लेकिन इसमें क्या हुआ है ये बताएं। फिर क्या हुआ? इतना वजन भी नहीं है इसमें, पत्ते छटते रहते थे इसके, अच्छा ये तो छटाई करवाते रहते थे। हाँ ये छटाई होती रहती है इनकी। तो हाँ ऐसा क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कहीं भूत प्रेत का पहले बताते ना, होंगे? ना अब ये तो बताते हैं कि पीपल के पेड़ पर शक्तियां होती है, देवी देवताओं का निवास होता है, विराजमान रहते हैं, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ लगता है। ऐसा ही कुछ लगता है। हाँ तो अब क्या करेंगे आप? वैसे गांव वाले क्या कह रहे हैं कि क्यों हुआ ये ऐसा? अब ये तो भाई हम नहीं बता सकते, हमें क्या पता कैसे हुआ। नहीं गांव वाले क्या कह रहे हैं? हाँ वाले तो ये बता रहे हैं कि इसका समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया। तो अब क्या करोगे आगे इसमें? आगे क्या, अब आगे पेड़ ही लगेगा इसकी जगह पे। पीपल का पेड़ ही? हाँ और क्या है। तो कुछ मान्यता है कि ऐसा तो नहीं कहीं नहीं कोई नहीं देवी यहाँ वगैरह निकली हो, ऐसा तो नहीं कोई देवी वगैरह मूर्ति यहाँ निकली हो? बुजुर्गों के थान थे यहाँ। अच्छा हाँ तो थान हटाए वटाए थे क्या? नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं। ना तो फिर ये क्या मतलब, क्रोध कैसे, प्रकृति इतनी क्रोध में कैसे आई ये महाराज तो जी? सब ऊपर वाला ही जाने। तो दोस्तों मैं आपको लगातार धर्म से संबंधित और ऐसी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं कि पीपल का पेड़ है, स्वयं ब्रह्मदेव हैं, हम भी पूछते हैं, सभी पूछते हैं, हिंदू धर्म में सब हर कोई पूछता है, और अगर कोई दूसरे धर्म के भी हो तो वो भी कांपते हैं इस पेड़ को काटने से। उसके साथ में ये ऐसा हुआ है जैसा कि देख रहे हैं आप, और जानूंगा मैं। ये पेड़ के बराबर में मेरा मकान है, अच्छा नहीं अच्छा वाला मेरा ही मकान है। अच्छा ये वाला आपका मकान है? मकान है। हाँ जी मेरा ही मकान है। तो जो टहनी टिकी हुई है वो वाला या इसके बराबर हुई है? बराबर वाला है मेरा। अच्छा बराबर वाला, ठीक। हाँ। तो क्या हुआ था रात को? जैसे रात में जान था नहीं, जैसे अभी मुझे सूचना मिली, ठीक आतस में रहता हूँ, आतस में मेरा मकान है, ये भी मेरा ही है, आतस में भी है। तो जैसे ही सूचना मिली मैं भी देखने आया, अच्छा देख कर मैं भी आश्चर्य में रह गया, अचंभित हो गए। अचंभित, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ है? नहीं देखा भी नहीं हमने आज तक। और जड़ सहित उखड़ गया है वो पूरा, और कितना भारी विशालकाय पेड़ है, पूरा जड़ सहित उखड़ा है।
हमारे बाबा परदादे भी कहते थे कि हमने ऐसा ही देखा है। अच्छा, डेढ़ से दूसरे साल पुराना है। रात को 8 बजे पेड़ पहले हला जी, बहुत विशाल तरीके से जी, न कोई आंधी न बिहार। अच्छा, फिर बीच कुछ में भी नहीं था? कुछ नहीं था। अच्छा, फिर बीच में से फट गया है। तो ऐसे कैसे फटा है, मतलब कोई ऊपरी चक्कर था, कोई देव निकले हैं इसमें से, क्या हुआ है? अम्मी यहाँ रहते हैं, आज तक हमारे तो कोई कह कहते ऐसा हुआ नहीं जी, बराबर में रहते हैं, इसकी टहनी भी हमारे मकान में। हाँ बिल्कुल, अब इतनी भी भयानक घटना होने के भी कारण आंधी आ गई काफी, नहीं बहुत आंधी आई, इतनी घटना होने के बाद में कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, कोई नुकसान नहीं? कोई नहीं हुआ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इस वाले मकान पे, इस मकान पे आके थोड़ा सा ही नुकसान हुआ है, नेक क्रैक हुआ है, नहीं इतने आने पे तो पूरा मकान फट जाता, क्षतिग्रस्त हो सकती थी। बिल्कुल सही हुआ। पहले यहाँ थान थे जी, पूजा पूजा भी होती थी, कुछ दिन से हमारी भाभी वो करती थी। अच्छा, खत्म हुई है तब से बच्चा आके लापरवाही होने लग गई। अच्छा, इस वजह से भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं पूजा पाठ बंद हो गई? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो डेली गा के थे ना करके, इनको नाले आती थी, दीपक लगाती थी, दीपक लगाती थी। अच्छा, अब कुछ दिन से हमने कुछ देखा नहीं। हम्म, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मानना हो सकता है, ऐसा नहीं मान्यता है, वो तो मान्यता है, हो ही सकती, क्योंकि जब हम मानते हैं, हमारे धर्म मानते हैं, हमारे बुजुर्ग पीपल देखे होंगे, उनकी लट ऊपर गुजारी होंगी, इसकी लट नीचे थी। अच्छा, नीचे की तरफ लट थी। अच्छा अच्छा जी, तो ये चमत्कारी पेड़ है, चमत्कारी पेड़ है अगर कहें तो, कहें चमत्कारी है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि मैं दिखा रहा हूँ कि आपको लगातार ऐसे साधु संतों के दर्शन कराता हूँ, लेकिन आज देख रहे हैं कि एक पेड़ है, विशाल का पेड़ है, पीड़ देख रहे होंगे आप, काफी मोटी है। मैं कोई ऐसी नहीं कि कोई एडिटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, पूरा देखें आप, पूरा देखें आप, नीचे जड़ तक हिल के, और जैसा कि चाचा बता रहे थे कि पूरी जड़ हिली है, पहले पेड़ पूरा हिला है, तब जाके ये उखड़ा है, तब जाके फटा है, देख रहे हैं पूरा बीच से फट गया है, और तीन टुकड़े, पूरे टहनियों के भी टहनियां देखें कितने विशाल का पेड़ है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा पेड़, कितना भारी पेड़ है और कितना पुराना हो सकता है। उसके बाद पेड़ की ये हालत है, न जाने क्यों हुआ है, क्या हुआ है। रात को 8 बजे की घटना है, पूरे गाँव में कोलाहल का विषय बना हुआ है। देख रहे हैं कि क्या हुआ है इस पेड़ के साथ में, ये तो पता नहीं, भगवान जाने, कुदरत जाने, और ये स्वयं पेड़ जाने कि पेड़ हिलने के बाद में वो इस तरीके से फटा है, इस तरीके से टूटा है। इतनी मजबूत जड़ें होती हैं, इतना मजबूत तना है, इतना विशाल का है, पुराना पेड़ है, टूटा कैसे है, अब ये सब आपके सामने। और 2-3 दिन बाद चुनाव होने हैं तीसरे चरण में, लेकिन एक विषय ये भी है जो कोलाहल का और अचंभित कर रहा है पूरे गाँव वासियों को। इसी के साथ दोस्तों मेरे साथ बने रहे और साधु संतों के, श्रद्धालुओं के, और ऐसे ही अपने धर्म से जुड़ी हुई चीजों के दर्शन करते हैं। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय।